जैसे कि आप लोग देख चुके हो स्टार्ट पे लाइट स्टेटस ब्लफ वाला कैसे आप बना सकते हो सिंपली आसानी से आप माइंड मास्टर एप्लीकेशन के ज़रिए बना सकते हो 2-3 मिनट के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप फुल वॉच करना और इस तरह का स्टेटस आप बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस वाला आइकन पर हम क्लिक करेंगे, 916 यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम एक बैकग्राउंड चूज़ करेंगे, ये रेड वाला, इसको टिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो लेंथ बढ़ाने के बाद हम इस तरह स्टार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद तो यहाँ से हम आ जाते हैं मीडिया पे। तो मीडिया पे आने के बाद तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक मटीरियल उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मटीरियल आपने उठाना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इस पिक्चर का, ठीक है। तो इस पिक्चर को आपने क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपने इसको बड़ा कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने बड़ा कर देना है, इस तरीके से बड़ा करके आपने यहाँ पे ले आना है। तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम छोटा कर लेंगे, इसको उलट दे देंगे। मैं इसको छोटा करूँगा यहाँ से थोड़ा सा, मैं छोटा कर लूँ सब। तो इसको हम इस तरीके से उलट दे देंगे, ठीक है। तो उलट देने के बाद इस तरीके से हम इसको छोटा कर लेंगे और उलट दे देंगे इस तरीके से। और इसके बाद तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं, इस तरह से हम इसको क्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करके आपने इस तरीके से क्या करना है, इसको इस तरीके से आपने बड़ा करके ले आना है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टिक पे क्लिक कर देना है। तो टिक पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसका लेंथ जो है फुल कर देना है, इसके साथ बराबर करना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद तो यहाँ से आपने जो पिक PNG में बना रखा है आपने वो वाला पिक यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। removevideo.com से आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये वाला पिक लगा लेता हूँ इस तरीके से, इस तरह से। तो जो ये वाला पिक्चर है हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। तो इसके बाद हम इसको सीधा करने के बाद तो यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है। और टिक पे क्लिक करने के बाद इसका लेंथ आपने यहाँ के पूरा का पूरा लेके आना है। और इस पिक पे आपने क्लिक करके इसको क्या करना है, यहाँ से क्रॉप कर देना है। तो क्रॉप कैसे की जाती है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रॉप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस पिक पे क्लिक करूँगा, इस पिक को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा इस तरीके से, कहाँ गया, इस तरीके से। इस पर क्लिक करके इसको आपने क्या करना है, छोटा कर लेना है इस तरह से। छोटा करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको क्रॉप कर देना है इस तरीके से। मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ और टिक पे क्लिक कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रॉप किए, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। आपने इसको क्रॉप कर देना है और टिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से और क्रॉप करेंगे ताकि सही तरह से एडजस्ट हो जाइए इस तरह से। और फिर टिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पिक को इस तरीके से ब्लब के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ से 3 डॉट से। तो सेंड टू बैक हो गया। उसके बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये वाला पिक जो मिल रहा है, ठीक है, ब्लब वाला, इसको यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। तो जैसा कि हमने उसको सेंड टू बैक कर दिया, उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, इस पिक पे क्लिक करेंगे जो लाइट वाला है। और इसको यहाँ से हम जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको यहाँ पे हम कर देंगे सॉफ्ट लाइट या ये वाला हार्ड लाइट, सॉरी, जो भी यहाँ पर अच्छे से फेस होगा। तो हम मैं ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टिक पे क्लिक कर देता हूँ। तो टिक पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पिक है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम ब्लब को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे यहाँ से, ये रहा इस तरीके से। तो बड़ा करने के बाद तो अब ये देखो आपका पिक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आपका पिक इस ब्लब में बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा सा इधर, सॉरी, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, तब ऊपर चला गया इस तरह से। तो इस तरह का बन चुका है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि पिक सही नज़र आए।
इसके बाद हमने क्या करना है, फिर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद तो यहाँ से हम उठाएंगे यहाँ पे कलर, ठीक है, तो ये वाला कलर हम उठा लेंगे, ये वाला। उसके बाद इसको एरोटेट कर देंगे इस तरह से। एरोटेट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने से नहीं, सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो पता नहीं आज मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ से हमारा इस तरह काम हो चुका है। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे लेयर पे। तो लेयर पे जाने के बाद तो यहाँ से मैं एक उठा लेता हूँ ब्रॉडर, ठीक है, ये वाला। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो काइन मास्टर में इस ब्रॉडर को। तो यहाँ से मैं इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन से क्या करता हूँ, स्क्रीन कर देता हूँ। तो स्क्रीन करने के बाद तो यहाँ से अभी मैं आपको एक और चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे लेयर पे, ठीक है। तो लेयर पे जाने के बाद तो यहाँ से हम एक और उठा लेते हैं, ठीक है, एक वीडियो। तो यहाँ पे मैं वीडियो देखता हूँ, ठीक है, कहाँ गया वीडियो, कहाँ गया मेरा। तो ये रहा वो वाला वीडियो। और इसको यहाँ से हम इस तरह के बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद तो यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको क्या करना है, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद तो मैंने इसको स्क्रीन कर दिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है सॉन्ग ऐड कर देना, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ से लेयर पे जाके सॉन्ग ऐड कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से एक सॉन्ग उठा लेता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सॉन्ग पड़ा था, कहाँ गया। आप अपनी मर्ज़ी से भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सॉन्ग दूँ, तो ये रहा मेरा सॉन्ग। तो मैंने इसको यहाँ से नीचे ले आना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से मैंने क्या करना है, क्रोमा की ऑप्शन से इसको एनेबल कर देना है। तो एनेबल करने के बाद तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ आगे, ताकि ये सही नज़र आ रहा है या नहीं। ये बिल्कुल आ रहा है, ये है, ठीक है। तो टिक पे क्लिक कर देता हूँ, इस वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ बड़ा। तो इसके बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। तो यहाँ से हम ब्रॉडर पे जाएंगे, ये वाला ब्रॉडर। तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे। इसके बाद तो यहाँ से टिक पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ब्रॉडर हमारा इस तरह हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक एनिमेशन देना है, कलर को जो भी एनिमेशन आप देना चाहे ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आपका स्टेटस हो जाएगा तैयार। सिंपली आपने इसको क्या करना है, यहाँ से बाकी पार्ट्स को जो है ना ट्रिम कर देना है, यहाँ से कैंची के ऑप्शन से इस तरीके से। तो बस सिंपली इसको ट्रिम कर देना है यहाँ से, और वीडियो को कर देना है एक्सपोर्ट इस तरीके से। बस यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो इस तरह आप वीडियो बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।